सो हे गाइस, फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है कि YouTube का जो पिछला अपडेट आया था, जिसपे कि दोस्तों मैंने वीडियो भी बनाया था, एक नया टूल एनालिटिक्स में ऐड हुआ है जो कि है रिसर्च का। तो दोस्तों वो जो रिसर्च वाला जो बटन है, रिसर्च वाला जो नया टूल है, वो काफी सारे लोगों को मिल चुका है और काफी सारे लोगों को नहीं मिला है। और दोस्तों वो मुझे भी मिल चुका है, मेरे भी एनालिटिक्स में वो ऐड हो चुका है जो कि मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था। तो दोस्तों आप लोगों में से काफी सारे लोगों ने कमेंट किया कि भाई ये मुझे अभी तक नहीं मिला, मैं कैसे, मतलब मुझे कैसे मिलेगा, मैं कैसे ला सकता हूँ रिसर्च वाला, मतलब वो जो ऑप्शन। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि वो रिसर्च वाला ऑप्शन आप अपने एनालिटिक्स में कैसे ला सकते हैं और कैसे वो आएगा। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को भी ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये जो नया टूल आया है YouTube का, जो मतलब रिसर्च वाला जो ऑप्शन आया है एनालिटिक्स में, ये मुझे कैसे मिला और दोस्तों आप लोग इसे कैसे मतलब अपने एनालिटिक्स में इसे ऐड कर सकते हैं, कैसे ला सकते हैं। सो गाइस, ये जो अपडेट आया उस दिन से 2 दिन पहले ये मुझे मिल चुका था। दोस्तों आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, मैं वीडियो बनाना चाह रहा था लेकिन दोस्तों मेरे पास टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं वीडियो बना पाऊँ, है ना। तो दोस्तों ऐसा वो मुझे 2 दिन पहले ये अपडेट मिल चुका था और मैं सोच रहा था इस पे वीडियो बनाऊं क्योंकि इस पे YouTube का ऑफिशियल वीडियो नहीं आया था। तो दोस्तों उसके 2 दिन के बाद YouTube का ऑफिशियल वीडियो आया गया तो मैं सोचा अरे यार मैं वीडियो क्यों नहीं बनाया। तो मैं फटाफट उसी दिन मैंने वीडियो बनाया और दोस्तों वो वीडियो को मैंने पब्लिक किया कि मुझे भी मिल चुका और ये नया अपडेट भी आया। उसके बाद दोस्तों ये मतलब अपडेट के बारे में मुझे उतना पता नहीं था कि ये कैसे यूज होता है। उस वीडियो को मतलब YouTube का जो ऑफिशियल वीडियो आया उस वीडियो को देखने के बाद मैंने यूज भी किया कुछ और अभी भी मैं यूज करता हूँ उसका। तो दोस्तों उसका मुझे पता चला। तो दोस्तों अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये मुझे कैसे मिल गया, मतलब कि ऑटोमेटिक ये मुझे मिला, मैं कुछ नहीं किया, मुझे नहीं पता कि ये मुझे कैसे मिला। लेकिन दोस्तों YouTube जिस तरीके से बताया कि ये मिलेगा कैसे, तो दोस्तों ये YouTube का अभी ऑफिशियल अपडेट आया है जिसमें कि बताया गया कि ये बीटा वर्जन में अपडेट हुआ है और दोस्तों ये किसी किसी को मिला, बड़े बड़े यूट्यूबर को भी नहीं मिला और छोटे छोटे यूट्यूबर को भी नहीं मिला, जिसमें कि दोस्तों छोटा यूट्यूबर मुझे मिल चुका है लेकिन दोस्तों काफी सारे ऐसे लोग उसको भी मिला है, मुझे नहीं पता किनको किनको मिला। अगर दोस्तों आप लोगों में से किसी को भी मिल गया तो वो कमेंट करके जरूर बताना कि किनको मिला है। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं कि आप लोग मतलब कुछ करोगे तो मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं यार, मैंने भी कुछ नहीं किया और मुझे ऑटोमेटिक मिल गया। तो दोस्तों YouTube ने क्या बताया कि 40 से 60 दिन यानी 40 से 60 डेज रुक जाओ, उसके बाद दोस्तों ये ऑटोमेटिक सभी को मिल जाएगा। तो दोस्तों ऐसे कुछ नहीं करना है और आप लोगों को थोड़ा वेट करना है और रेगुलर अपने YouTube चैनल पर वीडियो अपलोड करना है, जैसे कि दोस्तों आप अगर YouTube के साथ अपडेट रहोगे तो YouTube का जो भी अपडेट आएगा आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों यही जो बातें थी जो मैं आपको बताया, ऐसा कुछ नहीं कि मैंने कुछ किया तो ये मुझे मिला। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को भी ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए। अगर दोस्तों आपके मन में अभी भी कोई क्वेश्चन या कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।